हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सर्वर ग्लोबल। होप यू गाइस डूइंग वेल। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे इन प्लेस डिप्लॉयमेंट विथ ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर। सो लास्ट वीडियो में हमने इन प्लेस डिप्लॉयमेंट किया था विथ स्टैंड अलॉन सिंगल EC2 इंस्टेंस। इस बार हम देखेंगे विथ ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर, बट डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी इन प्लेस ही रहेगा। सो कंटिन्यू करते फ्रॉम लास्ट वीडियो। जो हमने EC2 इंस्टेंस बनाया था, जिसमें हमने एक डिप्लॉयमेंट रन किया था एंड जो बिल्ड थी वो एक्सट्रैक्ट हुई थी हमारे कस्टम फोल्डर में। सो ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर के साथ सेटअप करने के लिए ये हमारे कुछ स्टेप्स रहेंगे, जिसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है क्रिएट एन IAM इमेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस। अब हमें पहला काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉयमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए जो कि प्री कन्फिगर्ड इमेज बोलते हैं जिसको। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो EC2 इंस्टेंस है जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिप्लॉयमेंट किया था और जिस मशीन के ऊपर हमें एप्लीकेशन बिल्ड को एक्सट्रैक्ट किया था, उस मशीन को ही हम यूज करेंगे फॉर इमेज पर्पस। सो मैं यहां पे इस इंस्टेंस को ओपन करता हूं और इस इंस्टेंस में आप देख सकते हो कि ये पाथ के ऊपर इमेज जो हमारा कंटेंट है वो एक्सट्रैक्टेड। अब इमेज को बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें सेट करनी पड़ेगी, तो पहला हमें वेब रूट, ये जो माई एंगुलर फोल्डर है वो क्लीन करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि ये इमेज में अगर ऑलरेडी डेटा होगा देन समहाउ एट अ टाइम जब बिल्ड रन होगी बिल्ड एक्सट्रैक्ट होगी तब वो आइडेंटिफाई ऐसा होगा कि फोल्डर स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी देयर और वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं सबसे पहले ये मशीन के अंदर माई एंगुलर जो फोल्डर है उसको मैं क्लीन कर देता हूं। दूसरा, सर्विसेज सारी मैंने एट अ टाइम जब सेटअप किया था NGINX एंड AWS कोड डिप्लॉय दोनों सर्विसेज को स्टार्टअप में ऑन किया था। नाउ अब ये मशीन के ऊपर मैंने एक IAM रोल भी अटैच किया था, तो वो IAM रोल भी हमें एट अ टाइम ऑफ ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्पलेट में हमें वो अटैच करना पड़ेगा। अगर हम इमेज में मशीन में अगर रोल अटैच नहीं करते देन मशीन के पास वो राइट्स नहीं रहेंगे कि मशीन आपके कोड डिप्लॉय के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ये मशीन को इमेज में कन्वर्ट करता हूं। तो इमेज बनाने के लिए आप मशीन को सिलेक्ट करो, एक्शन में जाके इमेज एंड टेम्पलेट एंड क्रिएट इमेज, इमेज का नाम दे देता हूं माई एंगुलर एप इमेज और 1407 आज की डेट डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। रीबूट इनेबल करना है, अगर आप ये टिक डाउन करते हो तो वो रिस्टार्ट नहीं करेगा, बट रिक्वायर्ड है नहीं मुझे ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रिस्टार्ट कर सकते हैं। टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर, सो मैं यहाँ पे क्रिएट इमेज को क्लिक करता हूँ। ओके, नाउ नेविगेट टू AMI। तो ये पेंडिंग स्टेट में है, तो इमेज क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मीन टाइम मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और रिज्यूम करता हूँ वंस ये इमेज क्रिएट हो जाती है। सो यहाँ पे इमेज क्रिएट हो चुकी है एंड ये इमेज क्रिएट हो चुके हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सेटअप ऑटो स्केलिंग इंफ्रा विद लोड बैलेंसर।
अब ये जैसे मैंने पुराने वीडियो के लिए डॉक्यूमेंट बनाया था, ये वीडियो के लिए भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जो कि मैंने अपने ब्लॉग में अपलोड कर चुका हूँ, जिसको मैंने टाइटल दिया है हाउ टू सेट अ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट ऑन EC2 फॉर एन एंगुलर एप्लीकेशन यूजिंग कोर डिप्लॉय पाइपलाइन पार्ट 2। सो ये सारी चीजें जो सेटअप, EMI इमेज, इमेज क्रिएशन का, ये सारे स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट मैंने वहां पे डिफाइन किया। सो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग इन ग्रुप और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो मैं सीधा चला जाता हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैं क्रिएट करता हूँ, नाम दे देता हूँ मैंगुलर ऑटो स्केलिंग। लॉन्च टेम्पलेट, तो हमें एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं लॉन्च टेम्पलेट को क्रिएट कर देता हूं। यहां पे टेम्पलेट नेम माय एंगुलर टेम्पलेट। ओके, सो यहां पे अगर आप टेम्पलेट के ऊपर सोर्स टेम्पलेट से सेटिंग सारे चेंजेस करना चाहते हो तो सोर्स टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे OS इमेज, तो मैं अपनी इमेज जो मैंने इमेज क्रिएट की हुई है वही यूज करता हूँ, माय एंगुलर इमेज 14/07/2024। टेम्पलेट में इंस्टेंस टाइप भी मैं डिफाइन कर देता हूँ T2 माइक्रो। की पेयर जो मैंने एंगुलर इंस्टेंस की डाउनलोड में वैलिडेट कर देता हूँ, एंगुलर इंस्टेंस की यस। सिक्योरिटी ग्रुप मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। टैग ऐड कर देता हूँ नेम एंड एंगुलर इंस्टेंस एडवांस। सो यहाँ पे एक चीज हमें इंक्लूड करनी है कॉल्ड IAM रोल, तो हमें एक IAM जो रोल है वो अटैच करना है। क्यों? क्योंकि रीजन मीन जब हम नया इंस्टेंस बनेंगे तो नए इंस्टेंस के साथ हमें IAM इमेज, IAM रोल भी अटैच होने चाहिए। तो ये जो मेरा एग्जिस्टिंग वेब रोल है जो अटैच है, जिसमें हमने सारे EC2 इंस्टेंस कोड डिप्लॉय के पॉलिसी सप्लाई किए, अटैच किए थे, तो वो IAM रोल मुझे ऑटो स्केलिंग ग्रुप से जो भी नए इंस्टेंस लॉन्च होंगे उसके साथ वो अटैच करने हैं। अगर ये नहीं करते तो आपका इंस्टेंस प्रॉपरली काम नहीं करेगा। डिप्लॉयमेंट में वहां पे एरर आएगा कि दिस यूजर इज नॉट हैव इनफ परमिशन टू परफॉर्म द एक्टिविटी वेब सर्वर रोल। तो मैं यहाँ पे करता हूं वेब डैश सर्वर डैश रोल, ठीक है, एंड रिमेनिंग सब कुछ सही लग रहा है और मैं यहां पे क्रिएट लॉन्च कर देता हूं। सॉरी, क्या आ रहा है, लॉन्च टेम्पलेट नेम इन यूज, तो मैं नाम चेंज कर देता हूं टेम्पलेट और 14/07 आज की डेट में डाल देता हूं। EMI वैलिडेट कर लेता हूं एंड सिक्योरिटी ग्रुप भी है वैलिडेट, रिसोर्स टैग दे दिया है वेब सर्वर। लेट मी क्रिएट अगेन। ओके, टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है, नाउ रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड 14/07 वर्जन, डिफॉल्ट वर्जन बना रहा हूँ। नेक्स्ट, मेरा VPC जो डिफॉल्ट है वही है और मैं दोनों अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों इंस्टेंस में चाहिए। नाउ लोड बैलेंसर, तो हमारे पास अभी कोई लोड बैलेंसर है नहीं, तो हम एक नया लोड बैलेंसर क्रिएट भी कर देते, नया क्रिएट करेगा अटैच भी कर देते एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो यही नाम दे देते हैं और उसको इंटरनेट फेसिंग करते हैं और यहाँ पे क्रिएट को बनाते एंड रिमेनिंग एज इट इज कर देता हूँ
नेक्स्ट कैपेसिटी, यहाँ पे मैं डिजायर्ड कैपेसिटी 2 रख रहा हूँ, मिनिमम भी 2 रख रहा हूँ, मैक्सिमम 3 कर देता हूँ। एंड ट्रैकिंग पॉलिसी में सीपीयू 50% ओके रखता हूँ, डिफॉल्ट 300 सेकंड में वार्म अप हो गए, और इंटेंस मेंटेनेंस पॉलिसी भी आप कोई भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट जाने देता हूँ, और स्केलिंग पॉलिसी भी डिफाइन करता हूँ इनकेस अगर 3 फुल्ली यूज हो चुका है और सीपीयू कम यूज है, एवरेज सीपीयू, तो वो ऑटोमेटिकली स्केल इन भी हो। नोटिफिकेशन मुझे कुछ देना है नहीं अभी, टैग नहीं है, एंड लेट मी क्रिएट। तो ये यहां से आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी क्रिएट होगा, ग्रुप के साथ 2 मशीन्स भी बन गए क्योंकि मिनिमम कैपेसिटी हमने 2 रखी थी, और साथ में लोड बैलेंसर भी बनेगा, टारगेट ग्रुप भी बनेगा, और 2 नए मशीन आपके टारगेट ग्रुप के मेंबर भी बनेंगे। सो ये सारी प्रोसेस को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अगेन मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, एंड जैसे ही ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है रिज्यूम बैक करता हूँ। ओके, सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में से 2 इंस्टेंस लॉन्च हो चुके हैं, ये यू कैन सी विथ एंगुलर इंस्टेंस नेम। एक बार हम मेन कंसर्न हमारा देख लेते, सिक्योरिटी एंड मॉडिफाई एम रोल। सो वेब सर्वर रोल जो हमने अटैच किया था दोनों इंस्टेंस में अटैच है, लोड बैलेंसर में भी चेक कर लेते लिसनर्स एंड टारगेट ग्रुप। सो टारगेट ग्रुप में अटैच है बट दोनों अनहेल्दी है। व्हाई अनहेल्दी? अनहेल्दी क्यों है? बिकॉज इंस्टेंस के अंदर हमने जो वेबरूट डायरेक्टरी था, जो हमारा माई डैश एंगुलर फोल्डर था, वो हमने क्लीन अप कर दिया था। दैट मीन्स 480 लिसन तो करेगा बट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, विद सिंपल 403 ऐसा एरर फेंके। तो नाउ अभी हमें क्या करना है, ऑटो स्केलिंग तो हमने सेटअप कर दी, अब हमें क्या करना है, आफ्टर अप्लाइंग दी ऑटो स्केलिंग हमें एक क्या बनाना है, एप्लीकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप फॉर ऑटो स्केलिंग। उसके लिए हम वापस डेवलपर टूल में जाते हैं, डिप्लॉय में जाते हैं एंड एप्लीकेशन में, ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट में अपलोड किए हुए हैं। क्रिएट एप्लीकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप विथ ऑटो स्केलिंग। ओके, सो ये हमारा एप्लीकेशन स्टैंड अलोन EC2 है, एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं, इन प्लेस्ड डिप्लॉयमेंट विथ ऑटो स्केलिंग। कंप्यूट प्लेटफॉर्म EC2 एंड डेट एप्लीकेशन, अब डिप्लॉयमेंट ग्रुप बना देते हैं, इन प्लेस्ड डिप्लॉयमेंट ऑटो स्केलिंग डिप्लॉयमेंट ग्रुप। देखो रियल टाइम जब डिप्लॉयमेंट करते उसमें सारे डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं, बट हम क्योंकि तीनों का डिफरेंस देख रहे हैं अलग अलग मेथोडोलॉजी का, इसलिए हमने तीनों बनाया। मैं डिफॉल्ट सर्विस रोल करता हूँ और यहाँ पे इन प्लेस यूज करता हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और यहाँ पे ऑटो स्केलिंग आप कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने डिप्लॉयमेंट मेथडोलॉजी ऑल इन वन करना है। लोड बैलेंसर इनेबल कर चुका हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप जो हमारा है टारगेट ग्रुप वैलिडेट कर लेते माय एंगुलर ऑटो स्केलिंग 1। एंड क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप।
सो नाउ डिप्लॉयमेंट ग्रुप हमारा क्रिएट हो चुका है, अब बारी है हमारे पाइपलाइन के अंदर जो डिप्लॉयमेंट स्टेज है उसके अंदर फ्रॉम स्टैंड अलोन टू हम लोग क्या करेंगे चेंज एप्लीकेशन ओके जो ये लास्ट जो था वो था कि भाई डिप्लॉयमेंट ऑन स्टैंड अलोन इंस्टेंस. नाउ लेट मी क्लिक ऑन पाइपलाइन अगेन. एडिट पाइपलाइन में जाके एडिट एंड जो स्टेज था थर्ड वन डिप्लॉय में एडिट स्टेज. अब यहां पे मल्टीपल स्टेज भी कर सकते हैं बट मुझे सिंगल स्टेज ही डिप्लॉयमेंट में चेंज करना है. तो यहां पे मैं एप्लीकेशन को रिमूव कर देता हूं और डिप्लॉयमेंट ग्रुप को एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता हूं इन प्लेस विद ऑटो स्केलिंग ओके एंड डन. एंड सेव. पाइपलाइन वैलिडेट कर लेते ओके. सो उससे पहले रन करने से पहले लोड बैलेंसर में जाके डिटेल्स को कॉपी कर लेते एंड वैलिडेट करते कि वेदर आउटपुट क्या आ रहा है. रीजन बीइंग क्योंकि सारे इंस्टेंस अभी के अंदर सबने डेटा रिमूव कर दिया तो 403 बुक भी डन आ रहा है. नाउ लेट मी रिलीज द चेंजेस. आइदर मैं अपने चेंजेस को रिलीज कर सकता हूं रिलीज चेंजेस तो ये मैन्युअली मैं रन कर रहा हूं एग्जीक्यूट. सो इन प्रोग्रेस आ गया. सो यहाँ पे सोर्स डिफाइन हो चुका है बिल्ड प्रोसेस हो रहा है. सो जैसे ही बिल्ड प्रोसेस होगा एंड डिप्लॉय रन होगा उसके बाद हम लोग लोड बैलेंसर URL से एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे अगर सारा कॉन्फ़िगरेशन सही है तो ओके. मीन टाइम मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ एंड फिर से हम वैलिडेट करते हैं. Okay, so here we can see the deployment has been completed. और अगर हम जो 403 आ रहा था उसको refresh करते हैं, let's see. Okay, now the sample application has been deployed. Okay, view details में जाएंगे तो आपको पूरा deployment summary execution details मिल जाएगी. So, दोनों इंस्टेंस अपडेटेड हो चुके हैं और ये इनप्लेस्ड है ओके. सो नाउ अब दोनों इंस्टेंस को अगर हम एक्सेस करते हैं लेट्स से वन बाय वन इंस्टेंस जो नए क्रिएटेड हुए है एट सेम टाइम 17:06 IST टाइम पीरियड. So, मैं इसको पब्लिक आईपी लेता हूं और कनेक्ट करता हूं. एंड
is dash var dub 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 and my angular. So यहाँ पे हमने सारे कंटेंट रिमूव कर दिए थे जो कि इमेज से अपडेट थे, तो ये हो गए आपके एक्सट्रैक्टेड इमेज. सो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, स्टैंड अलोन सॉरी इन प्लेस डिप्लॉयमेंट विथ ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर, ये कर सकते हो. अब ये मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है, अगर ये पर्टिकुलरली डिप्लॉयमेंट में कुछ इश्यू आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस रिवर्ट बैक करना पड़ेगा जो भी चेंजेस है और फिर से डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा. और मीन टाइम हमारे जो दोनों इंस्टेंस है वो क्या होंगे, जब डिप्लॉयमेंट होगा तब वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो हमें मिनिमम डाउन टाइम भी चाहिए होगा. अब इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट. सो नेक्स्ट वीडियो में जो कि फाइनल वीडियो रहेगा हमारे इस सीरीज का, उसके अंदर हम लोग ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट करेंगे और उसके अंदर यही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे सिर्फ डिप्लॉयमेंट के लिए. एप्लीकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप दोनों नया बनाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो. थैंक यू.